ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। प्रश्नों से हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में 7वें खंड से लेकर शुरू होने वाला छांदोग्य का अंतिम प्रकरण शुरू कर दिया है। 15वां आखिरी खंड एक ही प्रकरण है और ये प्रकरण के संबंध में आचार्य ने हमको बताया कि ब्रह्मलोक के बारे में तो चर्चा खूब हो गई, परंतु जो ब्रह्मलोक में जो जाता है उसका स्वरूप क्या है और उसका ज्ञान हमको कैसे होगा, ये दो चीजें बची है वही समझाएंगे। क्योंकि वो ऐसा करने पर ब्रह्म को पाता है, वैसा करने पर ब्रह्म पाता है, वही आत्मा हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, परंतु है कौन मूल में, इसलिए उसका स्वरूप जानना और उसको ज्ञान कैसे होगा हमको ये जानना, यानी यही तो आध्यात्मिक जीवन की, हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता है। यही तो वेदांत है, ब्रह्म विद्या या योग शास्त्र, कि उसका स्वरूप क्या है और उसको जानना कैसे, ये बताया जाएगा। और इसके लिए जो कहानी बताई गई है उस कहानी से हमको विद्या लेना देना क्या चीज है समझ में आएगा। और विद्या हमारे जीवन में आने से क्या हो जाएगा ये भी समझ में आ जाएगा, ये उन्होंने बताया हमको। इसमें जो कहानी है हम लोग दो बार रिवाइज कर चुके हैं, दोबारा करेंगे कि अत्यंत अद्भुत है। और जैसा कि मैं हजार बार कहता आया हूँ कि वेदांत एक फिलॉसफी नहीं होती, जीवन होता है, वो चीज इसमें बहुत प्रकट हो रही है। तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि प्रजापति ने एक घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि जो आत्मा है वो पाप से दूर है, पूरा नई चीज है, पर आत्मा के स्वरूप के रूप में जो आत्मा है वह पाप से दूर है, उसमें बुढ़ापा नहीं, मरना नहीं, शोक नहीं, उसको भूख नहीं, उसको प्यास नहीं, और उसके सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उसका संकल्प पूरा हो जाता है। उसको खोजना है और अनुभव पूर्वक जानना है, ऐसा नहीं बताया था अब तक कभी, उसको खोजना है और अनुभव पूर्वक जानना है। एक बात, दूसरी बात कि जो इसको जान करके अनुभव पूर्वक जानेगा, खोजने को दूसरी बार शब्द बदल करके कह दिया है अनुविद्या, मैंने दोनों चीजों का अर्थ एक ही हुआ कि शास्त्र और आचार्य के द्वारा हमारे में धारणा हो जाए, ये खोजने का भी अर्थ है और ये अनुविद्या का भी अर्थ है। करके विजिज्ञासित हो गया, यहाँ विजानाति, और विजानाति विजिज्ञासित हो गया का आचार्य ने बड़े स्पष्ट रूप में एक बड़ी महत्व की चीज मिल गई मुझे, बहुत महत्व की। आप लोगों को याद होगा कि एक डिबेट चल रहा है दुनिया में, किसको जानना नाम की कोई चीज नहीं होती, एक तो ये चल रहा है, पागल के लोग ये बोलते हैं, और दूसरे हमारे मिशन के कोई महात्मा बोलते हैं कि ठाकुर का विज्ञान अलग है दुनिया से। और ये विज्ञान शब्द गीता से मैं हमेशा बोलता था कि 7वें और 9वें अध्याय में, यहां देखिए और यहाँ वहां आचार्य ने कहा अनुभव संयुक्तम, और यहां आचार्य कह रहे स्व संवेद्यताम आपाद्य, शास्त्र और गुरु से सुन के अपने अनुभव के रूप में पाना उसको,
इतना स्पष्ट और क्या चाहिए, ये विज्ञान नहीं तो क्या है विज्ञान। और ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र के भाष्य में उन्होंने जो कहा है वो मेरे गुरु जी का पेट सेंटेंस था, हजार बार सुनता था उनसे। भूत वस्तु विषयत्वात् अनुभव अवसानत्वात् च ब्रह्म विज्ञानस्य, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान चीज ही ऐसी है कि जो चीज है उसके बारे में कोई नई नई हमको बनाना है और उसको पर अनुभव में कैसे लाए, ये एक ब्रह्म ज्ञान होता है। भूत वस्तु विषय अनुभव अवसान, उसका अवसान हमारे अनुभव में कैसे हो जाए। और प्रारंभ में ही आचार्य ने कह दिया ब्रह्म सूत्र भाष्य में कि जिज्ञासा शब्द का अर्थ ही होता है अंत तक, जब तक उसको ज्ञान से पाया नहीं तब तक न रुकने वाली इच्छा का नाम जिज्ञासा है। आचार्य के भाषा में देखो, जिज्ञासा माने क्यूरियोसिटी नहीं, जिज्ञासा माने हमारी वो इच्छा कि जो अनुभव के द्वारा उसको पा लेने तक रुकेगी नहीं, उसका नाम जिज्ञासा है। ये उन्होंने वहां कहा। फिर पहले सूत्र के भाषा में यह कहा कि चीज तो है ही, हम उसका अनुभव में लाना। और यहां पर गीता सातवें और नौवें अध्याय में ज्ञानम विज्ञान सहितम आया है, वहां आचार्य ने कहा है ज्ञानम अनुभव संयुक्तम, दोनों जगह सातवें और नौवें। और यहां पर अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य अनुविद्य विजानाति। अब इसमें पहले मंत्र के भाष्य में आचार्य ने जो विशेष बात बताई कि फल इसका सर्वात्मता है, ये एक महत्व की चीज होती है। देखो पॉइंट्स कितने हो गए। पहला पॉइंट, एक गलत धारणा व्याख्यान में कहा शंकराचार्यों के सामने, वो बैठे नहीं थे, कह रहा शंकराचार्य श्रृंगेरी के ऑनर में त्रिची में एक सभा चल रही है और वहां आर्ष विद्यालय का सन्यासी बोल रहा है डोंट एक्सपेक्ट एनी मिस्टिक एक्सपीरियंस। मैंने अभी जो दो रेफरेंस बताए ब्रह्म सूत्र के, उसी को लेकर के मेरा भाषण हो चुका था और उसके ऊपर उसने कहा कि डोंट एक्सपेक्ट एनी मिस्टिक एक्सपीरियंसेस, उसने वेग चोड़ने का श्लोक बोल दिया। और श्लोक में वेद शब्द है, उसने उसका मीनिंग इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया अंडरस्टैंड। मैं जो ऑर्गेनाइजर था उसको प्रेस करता रहा, मुझे दोबारा बोलना, मुझे दोबारा बोलना, हजार हजार आपत्ति मैंने नहीं सुनी, तो उसने बोलने दे दोबारा। और तब दोनों शंकराचार्य आ गए थे। उनका वेद चूड़ामणि में 108 श्लोक ऐसे हैं कि जो ध्यान समाधि अनुभव के बारे में बताते हैं। और उसके बिना जो होता है उसका जो श्लोक है वेग चूड़ामणि में, बिना परोक्षानुभव ब्रह्म शब्द न मुच्छते, उस पर उदासी बाबा की टीका में उन्होंने अत्र वृद्धोक्ति ऐसा कह करके पुराने किसी पुस्तक से कोटेशन दिया है कि पेड़ है, पेड़ के ऊंचाई में फल लगे, नीचे उसका एक तालाब या जलाशय है, उसमें उसका प्रतिबिंब है और उस प्रतिबिंब को देख करके ताली बजा के नाच रहे हो कि हमने फल खा लिया, ये हाल है तुम्हारा, ऐसा कहा हुआ है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात कि ठाकुर का विज्ञान चीज अलग है, उसका भी जवाब हो गया। अब तीसरी बात जो है, एम्फेसिस नाम की एक चीज होती है। शंकराचार्य के सारे भाष्य पुस्तकें पढ़ करके एक गलत सी धारणा हमें हो जाती है कि निर्गुण ब्रह्म ही ब्रह्म, निर्गुण है सगुण, सगुण एक नीचे की अवस्था है। पर बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर यहां शंकराचार्य कह रहे हैं सर्वात्मता फलम भवति। ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, हम पूरी दुनिया के आत्मा बन जाते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ एक हो जाते हैं, यही तो फल है। इसको कोई ट्विस्ट करके दुनिया होती ही नहीं वहां पर। तो शंकराचार्य कह रहे सर्वात्मता फलम। ये हो गई बात
पहले मंत्र के भाष्य की विशेष बात है, और फिर कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को हमने पा लिया, इसका अर्थ क्या हुआ? क्यों तो स्वरूप है हमारा, उसको पाना क्या है? कि हमारे मन में उसके बारे में गलत, मन में क्या, हमारे अज्ञान में, हमारे ज्ञान में, हमारा ज्ञान माने अज्ञान, उसमें आत्मा हमारे स्वरूप के बारे में गलत धारणाएं बैठी हुई है। हम शरीर है, हम इंद्रिय है, मन है, ऐसी उनका निकल जाना ही उसको पाना है, और के पाना नहीं अलग से। ये इंपॉर्टेंट बातें पहले मंत्र के भाष्य में उन्होंने बताई। अब कहानी आगे चली, प्रजापति ने घोषणा कर दी थी। अब वो हमसे कहते हैं कान से कान में पहुंचती, यानी मुंह से मुंह में पहुंचती, कोई बोलता है फिर वो कोई बोलता है, ऐसे वो देवताओं के पास और असुरों के पास अलग अलग पहुंच गए। चैतन्य प्रधान को देवता कहते हैं, इंद्रिय प्रधान को असुर कहते हैं। अब उन्होंने, वो दोनों एक दूसरे के प्रति जेलस है, उन्होंने अपनी अपनी सभा बुलाई और इंद्र ने कहा कि तुम लोग की अगर अनुमति हो तो मैं जाता हूं। उधर विरोचन ने कहा तुम लोग की अनुमति हो तो मैं जाता हूं। माने दोनों के राजा चले गए। वहां पर आचार्य भाष्य में कह रहे हैं इंद्र त्रिलोकी के राजा, सबसे पावरफुल और सारे भोग उनको उपलब्ध, वो पावर और भोग दोनों पीछे छोड़ करके चले गए। ये ब्रह्म ज्ञान का इंपॉर्टेंस से समझ लो उस घोषणा को सुन करके। और विरोचन मोस्ट पावरफुल और उसके सारे भोग अवेलेबल, वो अपने भोग और पावर छोड़ करके चला गया, याद रखो। और आपस में जेलसी थी, इसलिए मंत्र में ही है कि मंत्र पढ़ लेते हैं। तद उभय देवासुर अनुबुबुधिरे तेह ऊचुः हंत तम आत्मानम अन्वेच्छामो यम आत्मानम अन्विष्य सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामानीति। उन्होंने उसमें से इतना पकड़ा, अन्वेष्ट हो गया, अन्वेष्ट हो गया पकड़ा, और जितना हो जाता है मैं सर्वान कामान सर्वान लोकान, तो चलो। इंद्रोह देवानाम अभिप्रवराज विरोचन असुराणाम तौ तो असंविधान एव। मैंने परस्पर जेलसी के कारण एक दूसरे को नहीं बताया, अपनी अपनी सभा बुलाई और पहुंच गए इकट्ठे पर। और कैसे जाना है पता है, इसलिए नम्रता से समित पाणी होकर के प्रजापति के पास पहुंच गए। अब तीसरा मंत्र। तौ द्वात्रिंशतम वर्षाणि ब्रह्मचर्यम पूछतु तौ प्रजापतिर्वाच किम इच्छन्तौ अवास्तमिति तौ ऊचतु य आत्मा अपत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो अपि पासा सत्यकामा सत्यसंकल्पा सो अन्वेष्टव्या सो विजिज्ञासितव्या स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान यस्तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति इति भगवतो वचो वेदयन्ते तम इच्छन्तो अवास्तविति। यह आचार्य कमेंट कर रहे कि जलसी भूले उस ब्रह्म विद्या के लिए, क्योंकि दोनों ने इकट्ठा जवाब दिया। और इसमें इतनी भयंकर बात बता रहे कि जाकर के पहले क्या किया उन्होंने, 32 साल ब्रह्मचारी होकर के रहे, और तब प्रजापति ने उनसे पूछा कि आए क्यों हो, क्यों आकर के रहे मेरे पास ब्रह्मचारी के रूप में, ये 32 साल के बाद पूछा। तो उन्होंने उसका पूरा रिपीट कर दिया कि आपने जो घोषणा की थी वो हमारे पास पहुंच गई, तो उस आत्मा को जानने के लिए ही हम आपके पास आए। तो वह प्रजापति रुवाच ये ऐशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐश आत्मा इति।
अब उनकी अवस्था देख करके प्रजापति ने एक इनडायरेक्टली बात कही, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप तो बता ही नहीं जा सकता, वाणी से लक्षित किया जा सकता है। तो उसने कहा ये जो आंख में दिखता है ना पुरुष, वही आत्मा है, इतना उसने कह दिया। और वो लोग समझे बिल्कुल उल्टा, और ये इतना उल्टा समझे, कैसे समझे, हमें ऐसे ताज्जुब लगेगा। परंतु पूरी ह्यूमन रेस, एक देश पूरा, एक या दो, इजिप्ट बेबीलोन, उसके लोग ऐसे ही मानते हैं। जब पता चलेगा तो हम लोग आए मनुष्य में कुछ ऐसा होता है। क्या समझा उन्होंने कि शरीर के अंदर ही कोई शरीर जैसी एक चीज है, छाया जैसी, इसी शरीर की छाया रूप है। तो इजिप्ट की धारणा ज्यादा स्पष्ट है इन लोगों से, मैंने वही उनकी धारणा है कि मरने पर भी वो रहता है, पर शरीर को अगर कुछ इंजरी हुई तो उसको भी हो जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा तो वो भी मर जाएगा, ये रिलेशन है उसका, इसको छाया कहते हैं। इसलिए शरीर को मसाले वसाले डिस्कवर करके मम्मी बना के पिरामिड में रखते हैं इजिप्ट। राजा लोग, सारे लोग, तो ऐसी धारणा इंद्र विरोचन दोनों की बन गए। तो प्रजापति ने जब उनसे कहा कि आंखों के अंदर जो पुरुष दिख रहा है वही वही आत्मा है जिसके बारे में ने कहा, तो उन्होंने पूछा कि ये जो पानी में हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है ये, ना आईने में दिख रहा है ये, ना हमारी तलवार में भी शाइनिंग होती उसमें भी दिख जाता है वो, ना और कुछ, यानी उन्होंने उसको पकड़ लिया कंफर्मेशन के लिए पूछा। अब जो आंखों में दिखता है इसका आचार्य ने भाष्य किया, हमको आपको दिखता ही नहीं है, निवृत्त चक्षुवीर मृदित कषाये दृश्यते योगीवीर, योगीवीर माने साधक के द्वारा, जो आंखों के जिसने पलटा लिया है और जिसके मन का मैल सारा निकल चुका है वो देखता है आंखों में। कहने का मतलब है सब्जेक्ट है वो, ऑब्जेक्ट नहीं है, ज्ञान है उसके पास, जानने वाला है। अब आत्मा एक जड़ वस्तु है, ये न्याय और वैशेषिक का तो यही मत है। मुक्ति माने संज्ञा विहीन हो जाना, तभी तो दुख कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। पर उसने ये बोला था, उन्होंने पकड़ा छाया रूपम पुरुषम जगृहतु, तो छाया रूप माने हमारे शरीर का प्रतिबिंब, इसलिए उन्होंने उस तरह का सवाल पूछा। अब प्रजापति क्या करे, आचार्य भाष्य में समझा रहे हैं, प्रजापति क्या कहे कि तुम मूर्ख हो, तुमने उल्टा समझा है। ऐसा अगर प्रजापति बोले तो उनको दुख होगा और डिप्रेस्ड हो जाएंगे और फिर से कोशिश ही नहीं करेंगे। बड़े बड़े राजा लोग हैं, इसलिए प्रजापति ने उनकी बात अवॉइड छोड़ करके खुद जो बोला था उसी को रिपीट किया। रिपीट किया मैंने जो बताया था ना, वही सब में तुम्हारे तालाब में और या मिरर में या तलवार में जहां जो तुम देख रहे हो, मैंने जो बोला था वही है, ऐसा उसने अपना बोलना रिपीट कर दिया। यहां पर हमारा सातवां खंड के चार मंत्र, सातवां खंड खत्म हो गया। फिर उसने, प्रजापति ने सोचा, अच्छा इनको मैं कुछ ज्ञान दिलाऊंगा, तो उसने एक प्लेट बुलाया, प्लेट में कितना बड़ा तख्ता होगा कोई, पानी भर के रख दिया और बोला इसमें तुम देखो, और जो समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछना। अब उन्होंने देखा
और कुछ पूछा नहीं, क्योंकि वो संतुष्ट हो गए, हमने जो देखा हुई तो है ये। प्रजापति ने जब देखा कि संतुष्ट हो गए तो प्रजापति ने पूछा क्या देखा, तो उनका हम जैसे हैं सब पूरा हमने देख लिया, हमारे नखून और लोम और सारा का सारा इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है ये हमने देख लिया। यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब ये आठवें खंड का दूसरा मंत्र, तौह प्रजापति उवाच, साधु अलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वा उदशरावे अवेक्षथाम इति। तौह साधु अलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वा उदशरावे अवेक्षान चक्राते। तौह प्रजापतिरुवाच, किम पश्यत इति। तो प्रजापति ने उनसे कहा अच्छी तरह गहने पहन लो, अच्छे कपड़े पहन लो और खुद को साफ कर लो। साफ करने का अर्थ आचार्य जी के नखून बाल काट लो, ऐसे साफ कर लो और फिर देखो। तो उन्होंने फिर देखा, प्रजापति ने पूछा क्या देखा। अब प्रजापति का मतलब समझ में आ गया ना, अरे तुम प्रतिबिंब कहते हो तो प्रतिबिंब तुम्हारे कपड़े पर डिपेंडेंट है, तुमने वैसा देखा तो वैसा, ऐसा देखा तो ऐसा, ऐसा कोई आत्मा होगा क्या। और उन लोगों ने उसको भी उल्टा समझ लिया। इसका भाष्य पढ़ते हैं, तो वो पुनः प्रजापति रुवाच, छायात्म निश्चय अपनयनाय। उनका जो छाया रूप निश्चय हो गया था उसको निकालने के लिए प्रजापति ने यह उपाय किया था। साधु अलंकृतो यथा स्वगृहे सुवसनो महार्ह वस्त्र परिधानो, मैंने जैसे तुम घर में रहते हो, वहां आ गए थे ना सब कुछ छोड़ करके, एक वर्ण में उसमें सारा कुछ छोड़ करके शरीर मात्र है ना, जैसे वैसे उठ के आ गए थे वो। इसलिए यहाँ कह रहे घर में जैसे तुम रहते हो ना सजदज के राजा, ऐसे सजदज लो और मैं कीमती कीमती कपड़े पहन लो। परिष्कृत हो छिन्न लो मन खो, जो एक्स्ट्रा बाल उठते हैं और नकुन ये काट लो। जो भूत भूत वहां ऐसा हो करके उदय शरावे पुनरिक्षता मिति, फिर से देखो। यह च न आदि देश यद अज्ञातम तन्मे प्रवृत मिति। पहले उसने कहा था ना जो समझ में नहीं आएगा वो पूछना, ऐसा उसने यहाँ पर नहीं पूछा। कथम पुनराने न साधु अलंकारादि कृत्वा उदय शरावे अवेक्षणे न तयो छायात्मग्रह अपनीत स्यात्। कि ये अलग से ड्रेसेस करके उनका छाया वाला कम से कम निकल जाए। साधु अलंकार सुवसनादीनाम आगंतुकानाम छाया करत्वम उदशरावे यथा, ठीक है, आगंतुकानाम मैंने पहले जो नहीं थे अब वो अलंकार और कपड़े नए पहन लिए, अब वो भी दिख रहे तुमको प्रतिबिंब में। शरीर संबद्धानाम एवं शरीर से अपि छाया करत्व पूर्वम बभुव इति गम्यते। कि पहले उन्होंने शरीर की छाया देखे थे, अब ये सब मिलकर के छाया देख ली। शरीर एक देशा नाम च लोम नखादी नाम नित्यत्व न अभिप्रेता नाम अखंडिता नाम छाया करत्व पूर्वम आसी। पहले रोज रोज जैसा होता है वो लोम और नखुन बढ़ते हमारे, वैसे ही पहले देखा था। छिन्नेशु तेषु नैव लोमनखादि छाया दृश्यते, अब काट लेने पर उनकी छाया नहीं दिख रही। अतो लोमनखादि व शरीरस्य अपि आगमापायित्वं सिद्धम् इति। जैसे बाल उगते हैं काट देते हैं हम, नखुन उगते हैं काट देते हैं, ऐसा शरीर भी तो हुआ है और नष्ट हो जाएगा।
उदशराहु दृश्यमानस्य तन्निमित्तस्य च देहस्य अनात्मत्वं सिद्धम्। इसलिए पानी में जो दिख रहा है प्रतिबिंब, वो उसका कारण है ये शरीर हमारा, ये आत्मा नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं प्रजापति को कि अपीयरेंस बदल गया उसका, और जिसके कारण बदला वो बदल गया। छाया करत्वा देह संबंध अलंकार अधिवत, वो देह संबंध में अलंकार इत्यादि उन्होंने भी छाया अपने बना दी थी। न केवलम एतावद एतेन यावत किंचित आत्मीयत्व अभिमतम सुख दुख राग द्वेष मोहादि च कदाचित कत्वात् नखलोमादि वत् अनात्मा इति प्रत्येतव्यम्। मैंने जैसे नखर लोम काटने से बदल गया, अलंकार से बदल गया, तो फिर सुख दुख राग द्वेष मोह जो होता है हमारे यहाँ वैसा भी हो जाएगा वो। तो इसलिए ये आत्मा नहीं है कुछ भी, ये समझ में आना चाहिए। ये प्रजापति का मतलब था कि हमारा रूप बदल है तो वो रूप बदल गया, तो हमारे में तो बहुत सी चीजें बदलती हैं, तो वो छाया की भी सब बदल जाएगी। एवं अशेष मिथ्या ग्रह अपनयन निमित्ते साधु अलंकार आदि दृष्टांते प्रजापति न उक्ते श्रुत्वा। तो इसलिए पूरी तरह से इनका मिथ्या ज्ञान निकल जाए इसलिए प्रजापति ने उपाय किया था। पर वह देख सुन करके तथा कृतवतोर अभी छायात्म विपरीत ग्रह न अपजगामा, उन दोनों का वो नहीं घटा, वो गया ही नहीं छायात्म प्रत्यय उनका। यस्मात् तस्मात् स्वदोषेणैव केनचित् प्रतिबद्ध विवेक विज्ञानो इंद्र विरोचनो भूतां इति गम्यते। इसलिए उनका तो स्वभाव दोष है। वो प्रजापति समझा रहे हैं, गुरु तो समझाएगा किसी ने किसी रूप में, वो समझ ही नहीं पाएगा कोई तो क्या करेगा, ये स्वभाव दोष है। होंगे बड़े राजा इंद्र, बड़े वैराग्य से लेकर के आए होंगे, आपस की जलसी भूल गए होंगे, पर इससे मन का पाप नहीं गया, मन का मैल बाहरी आचरण से नहीं गया, कितने भी नियम पालन करके आओ तुम। तो पूर्वदेव दृढ़ निश्चय उपप्रच्छ किम पश्यति, उनका पहले जैसे ही निश्चय देख करके प्रजापति मुझे क्या देख रहे हो। तो वो उचतु हो यथा एव इदम आवाम भगवा साधु अलंकृत सुवसनो परिष्कृत स्व एवं एव इमो भगवा साधु अलंकृत सुवसनो परिष्कृत इति। ऐसे आत्मा इति हुआ च एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति तौ शांत हृदयो प्रवरजतु। तो उसने जो पूछा क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि जैसे स्वामने हम लोग जैसे अलंकार और ये करके आए थे ऐसे ही वो प्रतिबिंब देखा हमने। अब प्रजापति ने सोचा है तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे, उसने अपनी पहली बात फिर स्ट्रेस कर दी। अरे जो मैंने बताया था ना, वही अमृत है, वही अभय है, वही ब्रह्म है। उन्होंने उसको नहीं पकड़ा और शांत हृदय से अपने अपने देश में वापिस लौट गए। हमने ज्ञान पा लिया। हर बार प्रजापति उनको अपनी पहली बात बता रहे, ये उसी को कंफर्मेशन दे रहे। इंपॉर्टेंट चीज है ना, स्वदोषेणैव केनचित् प्रतिबद्ध विवेक विज्ञानम्। विवेक विज्ञान तो हो जाना चाहिए था, पर वो अपने किसी दोष से रुका हुआ है। तो तथा एव प्रतिपन्न यथा एव इदम इति पूर्ववत यथा साधु अलंकार विशिष्ट
विशिष्ट आवाम, सो हम लोगों का अपना रूप एवं सो मैंने यहाँ पर अपना रूप एवं एव इमो छायात्मानो इति सुतराम विपरीत निश्चय भगवत। विपरीत निश्चय उनका रहा कि जैसे हम ऐसे हमारी छाया। यस्यात्मनो लक्षणम यह आत्मा अपत पापमा इति उत्तम पुनस्तद विशेष अन्विष्यमाण यो अक्षो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति साक्षात् आत्मनि निर्दिष्टे तद विपरीत ग्रहापनयन उदशराव साधु अलंकार दृष्टान्ते अपि अभिहित आत्मस्वरूप बोधात् विपरीत ग्रह न अपगता। पहले तो प्रजापति का जो डिक्लेरेशन था उसमें पाप नहीं है और उसमें जरा नहीं है और इसमें तो जरा वगैरह सब हो जाएगी। और फिर उसी को खोजना है उसी को जानना है करके आंखों का पुरुष बता दिया था और उनका गलत ग्रह निकल जाए इसलिए वो पानी में दिखाया, अलंकार करके दिखाया। इतना सब होने के बावजूद भी विपरीत ग्रह ना पकड़ता, उनका उल्टा ज्ञान नहीं गया। अतः स्वदोषेण केनचित प्रतिबद्ध विवेक विज्ञान सामर्थ्य इति मत्वा। तो प्रजापति ने देख लिया भाई इनका मन तो बड़ा डर्टी है, यथा विपरीतम एव आत्मानं मनुष्य निदाय। प्रजापति ने जो पहले कहा था वही मन में लाया, ऐश आत्मा इति वच, मैंने कहा था ना वही आत्मा है। ये तो इतना ऐड कर दिया, ये अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है। पहले ये कहाँ आ गया है? पहले ये कहीं कमेंट्री में हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने मरेगा नहीं है ना, शुरू में जो डिक्लेरेशन दिया बुढ़ापा नहीं होगा मरेगा नहीं, तो मरेगा नहीं इसलिए अमृत है बोल दिया। और जब मरेगा नहीं तो डर किसका, इसलिए अभय बोल दिया। और वही ब्रह्म है, ब्रह्म माने ओरिजिनल पुराना बूढ़ा, ये अर्थ है ब्रह्म, ये बोल दिया था उसने। परंतु वो न तो तद अभिप्रेतम आत्मान, उन लोगों को जो आत्मा समझ में आई वो प्रजापति ने नहीं बोला। ये आत्मा इति आद्या आत्मलक्षण श्रवणेन अक्ष पुरुष श्रुत्या च उदशराव उपपत्त्या च संस्कृतो तावत्। पहले आत्मा के लक्षण बता दिए, फिर आंख में देखो बोल करके उनको भीतर किया है, और ये पानी में देखो वगैरह ये तो लॉजिक है, मतलब उपपत्ति है, ये तो अलग अलग प्रकार से उपांक्रमण से इससे तो प्यूरिफाई हो जाएंगे। मद वचनम सर्वम पुनः पुनः स्मरतो प्रतिबंध क्षयाच स्वयमेव आत्म विषय विवेक भविष्यति इति मत्वा। अब उसने क्या सोचा, मैं तो कह दिया है ना, इतना सारा कह दिया है, उसको रिपीट किया है, तो ये इनके दिमाग में घूमता रहेगा और खुद ही उनको फिर अपनी गलती मालूम हो जाएगी, फिर ये मेरे पास आएंगे या फिर ज्ञान पा जाएंगे। जो मैंने बोला है वो इनके मन में घूमता रहेगा, इसलिए उसने वही स्ट्रेच किया। फिर से न पुनर्ब्रह्मचर्यादिशे, फिर से ब्रह्मचारी बन के रहो ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। च तयो चित्त दुखोत्पत्तिम परिजीर्षन, फिर वो पहले वाले ही सवाल, फिर से ब्रह्मचर्य होकर रहो तो सब दुखी हो जाएंगे बिल्कुल, वो नहीं चाहिए था उसको। कृतार्थ बुद्धितया गच्छन्तो अपि उपेक्षितवान प्रजापति, और उनको तो लगा हमारा मतलब साध लिया हमने, ऐसा होकर के जा रहे हैं, फिर भी प्रजापति ने कुछ नहीं किया। तो वह इंद्र विरोचनो शांत हृदयो तुष्ट हृदयो कृतार्थ बुद्धि इति अर्थ। मैंने शांत हृदय से गए, मैंने कृतार्थ फील किया उन्होंने, इसलिए संतुष्ट होकर के वापिस गए।
न तो शम है वह, ये रियल कंट्रोल ऑफ द माइंड नहीं है। आचार्य कह रहे अगर रियल कंट्रोल ऑफ द माइंड होता तो देख ही लिया होता फिर उन्होंने। ये उनका मानना शांत चित्त माने उनको अच्छा लग गया बस। फिर रियल ऐसा नहीं है कि मन में प्रति सब मालूम हो गया। न तो शम है वह, शमश्चेत तयोर जातो विपरीत ग्रह विगतो अभविष्य। अगर ये शम होता यानी मन उनका रियली सेटल हो गया होता तो उनका विपरीत ग्रह निकल चुका होता। प्रव्रजो तो गतवंत चले गए। अब दोनों की कहानी अलग अलग हो जाएगी। यहां पर पहले विरोचन को पकड़ रहे हैं। तो वह अन्वीक्ष प्रजापति उवाच अनुपलभ्य आत्मानं अनुविद्य व्रजतो यतर एतद् उपनिषदो भविष्यन्ति। ये प्रजापति की सोच चल रही है। देवा वा असुरा वा ते परा भविष्यन्ति इति। यहां तक है प्रजापति का। प्रजापति ने जब देखा कि मेरे कहने से उनको आत्मस्वरूप की उपलब्धि हुई नहीं, इसी को उन्होंने उपनिषद मान लिया, रहस्य विद्या जो उनको लगा वही, और ऐसे ही वापिस जा रहे हैं। तो ये तो पराभूत हो जाएंगे, हार जाएंगे वाजे जीवन की। अब यहां से विरोचन को सह शांत हृदय एव विरोचनो असुरान जगाम तेभ्यो एताम उपनिषदम प्रोवाच आत्मा एव इह महय आत्मा परिचर्य आत्मानम एव इह महयन आत्मानम परिचरन वो लोको अवाप्नोति इमं च अमुं च इति। तो विरोचन शांत हृदय से असुरों के पास चला गया और उसने बोला, ये उपनिषद उसने बताई रहस्य विद्या उनको। आत्मा माने शरीर उसके मन में, कि शरीर ही महान है, शरीर की परिचर्या करो। तो शरीर की बड़ाई से, शरीर की सेवा करने से तुमको दोनों लोग मिल जाएंगे, ये भी और वो भी। उसने असुरों को सिखा दिया। कहानी सुंदर है। एवं तयोर गतयोर इंद्र विरोचनयोर राज्ञोर तयोर यथोक्त विस्मरणम स्याद इति आशंक्य अप्रत्यक्षम प्रत्यक्ष वचनेन च चित्त दुःखं परिजीर्षु। प्रजापति को सारे दिख गया पर वो बोलेगा तो उनके बड़े दुखी हो जाएंगे, वो उसने वो नहीं मान किया वैसा। तो दूरम गच्छन तो अन्वीक्ष दूर जा रहे हैं देख करके, ये आत्मा अपत पापमा इत्यादि वचनवत एतदपि अनयो श्रवण गोचरत्व मैंने जो बात बताई वो तो उनके मन में कभी कभी आएगी ना। अनुपलभ्य यथोक्त लक्षण आत्मानम अनुविद्य, किंतु अनुविद्य जाना ही नहीं। अनुभव लाना तो अलग है, पहले तो आचार्य शास्त्र से जानना है ना, वही तो नहीं हुआ इनका। स्वात्म प्रत्यक्ष ये आ गया फिर से, स्वात्म प्रत्यक्षम च अकृत्व, फिर अपना अनुभव होने की तो बात ही रहे और उल्टा समझ लिया है। इंद्र विरोचनो ये तो व्रजतो गच्छे आता, ये दोनों वापिस जा रहे हैं। अतो यतरे देवा वा असुरा वा, यतरे मने इनमें से कोई भी हो, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, किम विशेषित है ना ये तद उपनिषद आभ्याम या गृहित आत्मविद्याम सा यम उपनिषद येषाम देवानाम असुराणाम वा
तो एत उपनिषद एवं विज्ञान एत निश्चय भविष्यन्ति इति अर्थ। अरे चाहे देवता हो चाहे असुर हो, ये उपनिषद पकड़ लिया उन्होंने। ते किम पराभविष्यन्ति श्रेयो मार्गात पराभूता बहिर्भूता विनष्टा भविष्यन्ति इति अर्थ। वो हार जाएंगे, क्या हार जाएंगे, लड़ाई नहीं चल रही वहां पर, जीवन की बाजी हार जाएंगे। श्रेय मार्ग जो है मोक्ष की ओर जाने का मार्ग, उसमें वह हार जाएंगे, उसके बाहर होकर के उनका लाइफ नष्ट हो जाएगा। स्वगृहम गच्छतो सुरासुर राजयो हो, मैंने दोनों देवताओं को सुर कह दिया, देवताओं के और असुरों के राजा अपने अपने घर जा रहे थे, उसमें से असुरों की बात पहले कर रहे हैं। असुर राजा स शांतिदेव सन विरोचनो असुरान जगम, दोनों अपने अपने घर को लौट रहे थे, उसमें से असुरों का राजा वो घर पहुंच गया। गतवाच तेभ्य असुरेभ्य शरीरात्म बुद्धि और उपनिषद ताम एताम उपनिषदम प्रवाच उक्तवान, शरीर को आत्मा मानने वाला जो बोध है उसी को उसने उपनिषद करके बता दिया। देह मात्रम एव आत्मा पित्रा उक्तयति, प्रजापति पिता है दोनों का, तो पिताजी ने तो देह को ही आत्मा बता दिया। तस्माद आत्मा एव देह यह लोके मह या पूजनीया, यही बड़ा है, इसकी पूजा करो। तथा परिचर्या परिचरणीया, इसके सेवा करो। तथा आत्मानम एव ये लोके देह महायन परिश्चरण च उभय लोको आपनोति इमं च, बस इसकी पूजा सेवा करने से दोनों लोग मिल जाएंगे। उसने कहता सारे लोग मिल जाएंगे, ये करे दोनों लोग मिल जाएंगे। ये लोक परलोक योर एव सर्वे लोकाः, देखो फर्क है ना, संगत सब लोगों की प्राप्ति हो जाती, इन्हें ये लोग और परलोक ही सब लोग हैं इनके लिए, बस इनके लिए और लोग वो क्या है, जीते में सुख भोगना है मर के सुख भोगना है बस। सर्वे लोग कामाशांतर भवंती और डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स भी सब इस लोक और परलोक में सब अंतर्भूत हो जाएंगे, राजन अभिप्राय, ये विरोचन का कहना है। तस्मादपि अद्य इह आददानम अश्रद्धदानम अयजमानम आहु असुरोबदयति, असुराणाम हि एष उपनिषद प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेन अलंकारेण इति, संस्कुर्वन्ति एतेन हि अमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते। अब ये श्रुति का वचन है, इसलिए कह रहे आज भी अगर हम किसी को देखते हैं कि वो अदादानम श्रद्धा नहीं है उसमें, अयजमान मने कभी हवन नहीं कराया उसने, तो हम कहते अरे ये तो असुर हो गया। मैंने असुर ऐसे होते हैं, इसलिए किसी आदमी ने ऐसा किया तो हम लोग कह देते ये तो असुर हो गया, ये तो असुरों की उपनिषद है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, जब मर जाता है ना तो शरीर के पास खाना पीना रख देते हैं, भिक्षा माने अच्छे कपड़े रख देते हैं, अच्छा अलंकार रख देते हैं, ऐसे उसका संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। इजिप्त में बोला ना पिरामिड बना के रखते हैं, अपने देश में पिरामिड नहीं थी, पर ऐसे स्वभाव के जो लोग होते हैं वो मृत देह के पास ऐसी चीजें रख के गाड़ देते हैं उसको, और सोचते हैं कि इससे हम पर लोग जीत लेंगे।
तस्मात तत्संप्रदाय तस्मात तत्संप्रदाय मैंने उसकी एक ट्रेडिशन बन गई। अद्यापि अनुवर्तते इति लोके आज भी उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। आददानम दानम अकुर्वाणम आददानम माने दान न देने वाले, अविभागशीलम मैंने अपने पैसे को बांटने न वाले, अश्रद्धा दानम सत्कार्येषु श्रद्धा रहितम अच्छे कार्यों में भी श्रद्धा नहीं उनकी, यथाशक्ति यजमानम अयजन मैंने अपने अपनी शक्ति के अनुसार अच्छे कार्य करना चाहिए हवन करना चाहिए ये कुछ नहीं इनमें। स्वभाव आहुर असुरा खलु अयम यत एवं स्वभाव बतयती विद्यमान अवशिष्टा उन्हें अच्छे लोग जो है ना खेत से कहते कर ये क्या कर दिया इसने। असुरनामी अस्माद अश्रद्धा दंतादि लक्षण यो उपनिषद इनकी तो अश्रद्धा ये हवन न करना दान न देना ये इनकी उपनिषद बन गई ये असुर है। तया उपनिषदा संस्कृता संता प्रेतस्य शरीरम कुणपम भिक्षया गंधमाल्य अन्नादि लक्षणया वसनेन वस्त्रादिना आच्छादनादि प्रकारेण अलंकारेण ध्वजपताकादिकरणेन कुणप माने डेड बॉडी शव, तो शरीर को माने डेड बॉडी को मरने के बाद की बात है। भिक्षा माने भिक्षा में गंध माल्य अन्न ये सारा, और कपड़ों ने माने जो भी अच्छे कपड़े पहनाना, अलंकारिणी माने ध्वज पताका अधिकरणी ना ये सारा। एवं संस्कुर्यन्ती एतेन कुणप संस्कारेण डेड बॉडी के इस तरह संस्कार करने से अमुम प्रत्यय प्रतिपत्तव्यम लोकम जयश्यंतो मन्यते, हम ये अमुम लोकम जीत लेंगे। ये विरोचन का है और सारा असुरों का हाल है। अब इंद्र का क्या हुआ? नवम खंड में चले गए हम। बेलूर मठ में भी करते हैं साधुओं का इतना करके जला देते हैं, पुरुष रखते नहीं रखते हैं तो वो भी सोचते हैं कि ये सब चाहिए। देखो किसी किसी संप्रदाय में गाड़ते हैं ऐसा करके, उनकी बात है। सन्यासी को तो गाड़ नहीं है ना, अब मुझे नहीं पता आखिरी खिला देते होंगे। मैंने तो नहीं देखा, मेरे ऑब्जर्वेशन में नहलाते हैं अच्छे नए कपड़े पहनाते हैं फूल माला चढ़ाते हैं और जलाते हैं। अब पूछना पड़ेगा कहाँ से छात्र असुरों का उपनिषद लाए, फिर उससे हम लोग स्वर्ग में चले जाएंगे ऐसा सोचते हैं क्या करने वाले। कृष्णवर देखा तुमने सर? बापरे मेरे ऑब्जर्वेशन कैसे नहीं आए, बहुत पास से नहीं देखा इसमें। मैं इतना ही देखता हूँ कि नहलाया है और अच्छे कपड़े नए कपड़े पहना दिए हैं, बस फिर फूल माला चढ़ा के आरती उतार ली उसकी और ले गए। भिक्षा मांगने जाएगा? अच्छा, मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया, पर भिक्षा रखते नहीं है ना, भिक्षा मांगने जाएगा। छोड़ो मुझे नहीं मालूम, देखना पड़ेगा। पर इसको ये निंदा के रूप में कह रहे हैं। अब कुछ चीजें तो तुमने निकाला ही है, तो विशिष्ट एक गलती घुस गई हम लोगों में जो बाहर के साधुओं में नहीं है।
वे साधारण गृहस्थों की जो प्रथा है बंगाल के, विशेषकर भारत में भी पूरे, ये 12 दिन पूरे होने पर ये किया जाता है हमारे यहाँ सारा भंडारा भी। तुमने बाहर के सदस्यों में देखा है ना? नहीं, कृष्ण महाराज देखा है क्या करते हैं, कब करते हैं? हाँ, 12 दिन बाद कुछ नहीं करते, 16 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो 16 अच्छे सन्यासियों को बुला करके सन्यास की सारी चीजें उनको दे देते हैं, रुद्राक्ष माला, कपड़े, कमंडलू, ये सारा उनको भेंट कर देते, बैठने का आसन, और फिर बाकी लोग भी भंडारा खाते हैं, पर 16 लोगों को अलग आसन पर बैठा करके, और अपने कंकल आश्रम में, मैंने उत्तराखंड में है ना, वो वहां पर दोनों करते हैं कि 12 दिन के बाद हम कर लेते हैं अपना, और 16 दिन के बाद करना ही पड़ता है साधु समाज को बुला करके। मैंने खुद 2 अटेंड किए, ऋषिकेश में जब था, रंगनाथ जी का और ज्ञानानंद जी का, व्याख्यान होते हैं, मीटिंग होती है 16 दिन के बाद, और उत्तराखंड में अटेंड किया मैंने कई जगह अन्य संप्रदायों में 16 दिन के बाद, कहीं कहीं वो 16 में इंक्लूड भी होके बैठा हूँ। ये बाहर की ट्रेडिशन, अन्य संप्रदाय में सभी लोग को जलाते हैं ना, इसमें 2-3 प्रकार देखे मैंने, जलाना मोस्ट कॉमन, पर गंगा जहां पर है हरिद्वार, ऋषिकेश, अलाहाबाद, काशी, वहां जल समाधि पत्थर बांध देते हैं, अच्छा मैंने जैसे शव ऊपर नहीं तैरता रहे, और बीज गंगा में जाके छोड़ देते हैं, तो एकदम नीचे चला जाता है। अपने साधुओं का भी देखा नहीं किसी का कंकर। और तीसरा दंडी संप्रदाय में वो है गाड़ना, वो भी देखा है, मेरे कुटिया के पास ही दंडी बड़ा आश्रम था, उनकी जब डेथ हो गई उनके शिष्य वगैरह सब आए और उनको बैठा करके आसन पोज में नीचे गाड़ दिया। और भी किसी किसी संप्रदाय में, मैंने हमारे दशनामी में जूनी अखाड़ा के अंतर्गत एक क्षिप्रागिरी महाराष्ट्र में सोलापुर के उधर थे, उनको इसी तरह से जमीन में गाड़ा गया, और स्वामी जी की इच्छा थी ठाकुर को उसी तरह रखने की, पर कलकत्ता म्युनिसिपलिटी ने अलाउ नहीं किया तो जलाना पड़ा। स्वामी जी ने प्रमोदास मित्र को लिखा है कि शोक की बात है कि हम नहीं रख पाए, नहीं तो फिर वही मोहम्मद बाल। और मैं ना कश्मीर में एक दरगाह में मोहम्मद का बाल है, और वहां झगड़ा फैसद चलता ही रहता है, बुद्ध का दांत कहीं कहीं पर, तो खैर अब ये ट्रेडिशन से अलग अलग, पर यहां पर ये इस तरह के इसको आसुरों का कह रहे। चलो टाइम हो गया हमारा, इंद्र की बात कल आएगी, इतना पढ़ लेते हैं थोड़ा। इंद्र का शुरुआत, अथ है इंद्रो अप्राप्य एव देवान एतद् भयं ददर्श यथा एव खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति सुवसने सुवसना परिष्कृते परिष्कृता एवमेव अयम अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामः परिवृक्णे परिवृक्णो अस्यैव शरीरस्य नाशम अन्वेष्य नश्यति।
जो प्रजापति का मतलब था वो दी ऐसा दिखाया वैसे दिखाया, वो इंद्र को, इंद्र पहुंचा नहीं है, दोनों एक साथ चले गए, विरोचन ने जाके सिखा दिया। इंद्र अप्राप्य एव देवान, मैंने देवों को पहुंचे ही नहीं वहां तक, वो उसने भयम ददर्श, उसने कहा रे तो बेकार की चीज दी, मैं समझा क्योंकि मैं जैसे सजा दजा वैसे सजा दजा, तो मैं अगर अंधा हो गया तो ये भी अंधा हो जाएगा, मैं अगर काना हो गया ये काना हो जाएगा, या मेरी आंख नाक में से पानी बहने लगा तो इसके भी बहने लगेगा, मुझे कोई इंजुरी हो गई तो इसको भी हो जाएगी, मेरा शरीर नष्ट हो जाता तो ये भी नष्ट हो जाएगा। अब इसको बचाने के लिए जीवित वालों ने ऐसा न होने की कोशिश की, और इंद्र ने कहा मेरा समझ गलत है ये, तो वो वापिस आएगी, और वापिस आकर के पहले प्रजापति ने 32 साल रहने को कहा था कि नहीं स्पष्ट नहीं है, अब प्रजापति उसको कहे 32 साल हो रहे मेरे पास, फिर वो आगे बढ़ के मन को आत्मा मान लेगा, फिर उसको जाते जाते दोष मालूम हो जाएगा, फिर वापिस आएगा, फिर वो कहेंगे 32 साल रहने लगे, तो उसको विज्ञान में जो कोश है ना मैं, वो आत्मा प्रतीत होगा, फिर वापिस आएगा, फिर प्रजापति कहेंगे 5 साल हो गए, क्योंकि वो काफी मैंने मैं बोध आ गया ना, कम से कम 5 साल हो गए, 101 साल रहा तब उसको पूरा ज्ञान, फिर प्रजापति उसको अच्छी तरह सिखा रहे। ये कहानी इंद्र की। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमतो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणम् मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री रामकृष्ण अर्पण।